तो दोस्तों, ये आईफोन में सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? तो एक छोटी सी चीज, जैसे अगर आपको एक आईफोन में रिंगटोन सेट करनी है, तो जैसे ये तो कोई आफत हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन में रिंगटोन सेट कर सकते हो आसानी से, और वो भी अपने पसंद की रिंगटोन, कोई आईट्यून्स यूज किए बिना, कोई लैपटॉप यूज किए बिना, कोई एडिशनल टोन्स खरीदे बिना। जी हाँ, आपको ये रिंगटोन पड़ेगी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अब मैं समझता हूं कि एंड्रॉइड में तो ये बहुत आसान है, लेकिन आईफोन में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लेकिन वही तो मेरा काम आता है। मैं इस वीडियो में ये टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा बना के आसानी से कैसे आप अपना रिंगटोन सेट कर सकते हो ये दिखाऊंगा। और इस वीडियो में जितने भी एप्स यूज किए हमने, वो सारे के सारे फ्री है। आप एप स्टोर पे जाके वो आराम से उनको डाउनलोड कर सकते हो। उनमें से कुछ एप्स है वो जो ऑलरेडी आपके फोन में इनबिल्ट ही होंगे। तो इसके पहले कि आप अपने आईफोन में रिंगटोन सेट करने में बिजी हो जाओ, आप एक चीज जरूर कर लो पहले, और वो है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो दोस्तों, आईफोन में रिंगटोन बनाने के लिए आपको बेसिकली पांच चीजें चाहिए रहेगी। पहली चीज जो है वो है आईफोन। ऑफ कोर्स आईफोन के बिना तो आप बना ही नहीं सकोगे आईफोन की रिंगटोन। सो बिसाइड्स आईफोन, आपको चार एप्स चाहिए रहेंगे। वो है, एक है गराज बैंड, तीसरा है डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है यूट्यूब और चौथा है फाइल्स। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन चारों एप्स को यूटिलाइज करके एक रिंगटोन बनाते हैं, और वो भी आपकी मनपसंद रिंगटोन फ्री में। उसके बाद आप आओगे डॉक्यूमेंट्स में। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो ऐप है, ये आप एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री है वर्जन। तो y2me.com पे मैं जैसे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को पेस्ट करनी है मेल लिंक, यहाँ पे नीचे पॉपुलेट हो जाएगी। अब मुझे ये डाउनलोड वाले ग्रीन आइकन पे क्लिक करना है, और अगेन फिर जब मैं सेकंड टाइम क्लिक करूंगा तो मेरे को ये सेव फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे डन करूंगा तो ये लिंक मेरी डाउनलोड में चली जाएगी, और आप देख सकते हो एक राउंड आइकन जो ये डाउनलोड कर रहा है अभी भी ये पर्टिकुलर फाइल को। और द मोमेंट आप वन लिखा हुआ देख सकते हो, मतलब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे जब आप एक क्लिक करोगे तो आपको आपकी डाउनलोडेड फाइल मिल जाएगी। बेसिकली जो आपने सॉन्ग सिलेक्ट किया था वो है ये। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके कि आपका सॉन्ग सही तरीके से डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो ये मेरा वो सॉन्ग था जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब मुझे करना ये है कि फाइल के बाजू में एक ट्रिपल डॉट जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट आपको शेयर पे क्लिक करना है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पे आपको सेव टू फाइल्स करना है। जैसे आप सेव टू फाइल्स करोगे तो आपकी आई क्लाउड ड्राइव खुल जाएगी। ये बेसिकली आपका फाइल्स का ऐप है जो आपके आईफोन के अंदर है। तो अभी फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। तो मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्टेड है और मुझे सेव पे क्लिक करना है। अब अगर हम फाइल्स वाले ऐप में आएंगे और डेस्कटॉप पे आएंगे, तो आपको वो सेम फाइल जो आपका सॉन्ग सिलेक्टेड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तक तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स, फाइल और यूट्यूब तीन ऐप्स यूज कर लिए। अब हम जाएंगे हमारे रिंगटोन को क्रिएट करने के लिए, और उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी गराज बैंड की। तो गराज बैंड में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो है क्रिएट सॉन्ग। आप क्रिएट सॉन्ग में जब आओगे तो आपको आना है ऑडियो रिकॉर्डर पे। आप दूसरे भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, एएमपी ड्रम्स, लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं यूज करने, आपको ऑडियो रिकॉर्डर पे आना है। अब ऑडियो रिकॉर्डर में आपको एक वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जब आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये लेआउट मिल जाएगा। अब आप ऊपर एक देख सकते हो, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो एक ब्रिक का ऑप्शन है, आपको अब इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको सेकंड एक ऑप्शन मिल रहा है, एक राउंड जैसे टाई हो वैसे, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे करना ये है कि हमको हमारी फाइल्स में आना है, यहाँ पे सेंटर में, और ब्राउज आइटम्स फ्रॉम द फाइल्स ऐप। तो आपने जो आपकी जो फाइल है वो सेव की थी अपने डेस्कटॉप पे, तो हम रिसेंट में आ जाते हैं। तो रिसेंट में आपको ये अपनी फाइल दिख जाएगी और आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके गराज बैंड में ये पर्टिकुलर सॉन्ग इम्पोर्ट हो जाएगा। अब ये जो सॉन्ग है इसको आपको टच करके होल्ड करना रहेगा, और जैसे आप थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो वो आपके मेन स्क्रीन में इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप अपने सॉन्ग को एडिट भी कर सकते हो। जैसे मेरे को ये सॉन्ग शुरू करना है यहाँ से, तो मुझे करना क्या रहेगा कि आगे से ये मेरे को ट्रिम आउट करना रहेगा, और फिर मैं इस पूरी फाइल को ड्रैग करके लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, एंड राइट साइड पे भी मैं ड्रैग करके इस रिंगटोन को और भी लंबी कर सकता हूँ। अब एक बार अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि आपने जो कटआउट किया है अपने सॉन्ग का वो सही है, तो उसके बाद आपको एक छोटा सा एक ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा, और आपको उसके बाद माय सॉन्ग्स पे क्लिक करना रहेगा। तो ये करेगा क्या कि आपका ये सॉन्ग सेव कर देगा एज माय सॉन्ग ऑन योर आईफोन। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट पे क्लिक करना है, और आप अपने सॉन्ग को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे क्लिक करके। एक बार आपका टिक मार्क हो जाता है, उसके बाद आप जब ये एरो की पे क्लिक करोगे तो आप इसको रिंगटोन की तरह सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे रिंगटोन पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो पहले इस पर्टिकुलर सॉन्ग को रीनेम कर सकते हो। तो मैं सॉन्ग का नाम लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी ये रिंगटोन एक्सपोर्ट होगी, और आपके सेटिंग्स में आप जब आप जाके चेक करोगे तो वहां पे रिंगटोन रेडी होगी आपके लिए। और उसके पहले आपको एक यूज साउंड एज करना है और आपको स्टैंडर्ड रिंगटोन पे सेट करना है इसको। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग्स में और चेक करते हैं कि क्या हमारी रिंगटोन सेट हुई है या नहीं। तो सेटिंग्स, उसके बाद आपको आना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स में, और नीचे आप जो रिंगटोन का ऑप्शन देख रहे हो वहां पे आप देख सकते हो कि जो रिंगटोन है वो है बैड गाय। इसको हम प्ले भी करके देख लेते हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है कैसे आप अपने रिंगटोन को सेट कर सकते हो, मनपसंद रिंगटोन को स्पेशली। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो आपकी फ्री रिंगटोन क्रिएट करने में, तो आपको पता है क्या करना है, और वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही कूल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और सबसे पहले इन वीडियोस को देखने के लिए आपको एक बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, सो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।